What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 17 जनवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज, और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करते हुए हम आज क्या इंट्राडे लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 16 जनवरी, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,372 के पास। तो जैसे ही ये निफ्टी ओपन होने के बाद टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट टारगेट 12,386 यहाँ पर अचीव हुआ, और इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल ये साबित हुआ, ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी इंडेक्स ने। तो ये टारगेट कल कैसे निकाला था, तो आर्ली चार्ट में 60 मिनट की चार्ट में जो लास्ट स्विंग हाई लो था उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था। तो उसका 61.8% का लेवल लगभग इसी टारगेट के पास आ रहा था। तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास कल निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया और टूअर्ड साउथ की तरफ ये मूव दिखाया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 10 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 98 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है उसके मद्देनज़र यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में एक फ्लैट कारोबार, एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि बाकी एशियाई बाजार देखे तो वहां पर अभी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 49 पॉइंट्स की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से लगभग पॉजिटिव संकेत है। तो चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ किया था क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सके। तो अभी यहाँ पर जो लास्ट वीक एक फॉल आया था उसके बाद बुल्स ने फिर से एक बार यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाया और फिर ऊपर आके ये क्लोज हुआ था। तो इस वीक ये जो 23.6% का ये जो लेवल है 32,080 के पास, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। अगर प्राइस एक्शन को RSI के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। कैसे, अगर ये लास्ट अगर हाई देखे RSI का, तो यहाँ से लेके ये अभी जो हाई लगाया इसने, ये यहाँ पर लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर प्राइस एक्शन में देखें तो हायर हाईस क्रिएट कर रहे हैं। अगर प्राइस में अगर हायर हाईस क्रिएट होते हैं तो RSI में भी हायर हाईस अगर क्रिएट होते हैं तो ये डबल कंफर्मेशन होता है कि बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बेयर्स। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये जो लास्ट हाईस भी बना है ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है RSI में, लेकिन प्राइस एक्शन में देखें तो ये काफ़ी हायर हाईस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा दर्शाता है कि बुल्स में जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मार्केट को, ये बैंक निफ्टी को और भी ऊपर की तरफ यहाँ से ले जाए। तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन आए, ये सिग्नल है सिर्फ। और यहाँ पर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस जब भी आता है तभी हमें ऊपर प्राइस एक्शन में भी एक करेक्शन, एक छोटा फॉल यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर यहाँ से एक करेक्शन आता है तो निफ्टी इंडेक्स एज पर वीकली चार्ट इसको फर्स्ट सपोर्ट, जहाँ पर लास्ट वीक इसने बाउंस बैक दिखाया जो कि 20 EMA के पास था, 30,900 के पास, ये फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। और ऊपर अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, यानी जो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो स्विंग हाई बना है उसको कम्फर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट ऊपर में टारगेट होगा 32,750 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बन रहे, काफ़ी दूर है। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, डेली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हम ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन और मिड टर्म ट्रेंड लाइन,
यानी ये जो 20 DA में है और ये 50 DA में है, उसके बीच में अभी ये ट्रैप हुआ है। तो ऊपर में ये 20 EA में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप लास्ट दो वीक देख सकते हैं, दो दिन देख सकते हैं, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो 32,000 के पास ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और अभी यहाँ पर अगर टूअर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो फर्स्ट सपोर्ट का काम कर रहा है ये गैप जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये जो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था कुछ दिनों पहले, तो यहाँ पर अभी इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी 31,700 के आसपास लगभग। तो ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट होगा ये 50 EM जो कि अराउंड अभी 31,460 के पास है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उसके बाद 50 EM है और इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर सकते हैं बजट के पहले, क्योंकि बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो तो हमें एक यहाँ पर ऐसा ही वोलेटाइल मूवमेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली और वीकली चार्ट का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने भी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था और इसका 50% का लेवल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर अचीव कर लिया और यहाँ पर ही यह रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर यह कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसका क्लियर पिक्चर हमें दिखाई देगा। ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ये रहा 50% का लेवल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और कल का हमारा ये ऊपर का ये जो टारगेट था ये 60 मिनट के चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करके ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर कैसे ये 50% के पास ही ये एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये यहाँ से क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट में अभी फिलहाल 12,366 के पास रेजिस्टेंस है और नीचे 12,240 के पास सपोर्ट बना हुआ है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल भी एक डोजी फॉर्मेशन बना है, उसके पहले अगर देखें तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बना था। तो कंटिन्यूस दो बार डोजी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो यहाँ से हो सकता है अगर ये इस कैंडल का, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, इसका लो 12,278 के नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ से एक करेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। तब तक यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल सकता है। बजट के पहले काफ़ी साइडवेज पैटर्न देखने को मिला है पास्ट में भी, तो हो सकता है यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न में ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे। तो काफ़ी अभी यहाँ पर अगर सपोर्ट देखें तो ये जो स्विंग हाइज बने लास्ट 3 times यहाँ पर ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 12,290 के पास, तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है और उसके बाद 12,240 ये नेक्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। तो यह है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स अगर आप ये देखें तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स दो बार, यानी इसे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बनाया था इसने, यहाँ से ये फॉल आया था। तो 12,378 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, यानी ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। इसे हम मार्क कर देते हैं, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। और तभी हमारा उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा 12,391 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,407, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये अगर मूव करता है तो इस लेवल के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में ये कई बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था 3-4 दिन पहले। ये देखिए इस दिन पूरा इसने इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नेक्स्ट डे
इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था काफ़ी देर तक, और अभी कल भी इसने ऊपर जाते वक्त इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 RCA रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल के पास। तो ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल, इसे हम मार्क कर देते हैं ब्रेक डाउन लेवल, और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,324, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,308, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ब्रेक डाउन लेवल होगा हमारा 12,337, ठीक है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड।